लोकतंत्र का महापर्व अब शुरू हो गया है। मैं अभी मौजूद हूँ लातेहार विधानसभा क्षेत्र के मासियातु उच्च विद्यालय में मौजूद हूँ। आप जो देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें लगा हुआ है, लोगों को उत्साह आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है। लोगों को अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, लोग अपना वोट देंगे। लोग इस बार जो है कैसे प्रत्याशी चुनना चाहते हैं, क्या सोचकर वोट करना चाह रहे हैं, तो हमारे साथ में कुछ वोटर भी मौजूद हैं और वोटर से हम बात करते हैं। बताइए, इस बार आप जो है पहला बार मतदान कर रहे हैं? दूसरा बार। क्या आपकी मुद्दा है, क्या सोचकर आप मतदान करने आए हुए हैं? तो ये कह रहे हैं कि अच्छा प्रत्याशी मैं चुनूंगा इस बार। हमारे साथ में और कुछ लोग वोटर मौजूद हैं जो वोट करने आए हुए हैं, इनसे हम लोग बात करते हैं। सर, आप कब से लाइन में लगे हुए हैं और आपकी मुद्दा क्या है और क्या सोचकर इस बार जो है लोकसभा चुनाव का मतदान आप करने वाले हैं? लगभग एक घंटा से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ है और इस बार हम लोग हालात अच्छा हो, अच्छा वोट हो, अच्छा यहाँ से मतदान अच्छी हो, बढ़ के जाए, प्रतिशत बढ़ के जाए, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। पूरा गांव उठ के आ करके अपना वोट दे रहे हैं। अरे, उत्साह की अगर बात किया जाए तो लोग जो है से लोग जागरूक के लिए लोग कहते हैं कि बिना पहले मतदान उसके बाद जलपान। हाँ, क्या इस बार जो है ऐसा हो रहा है? हाँ, एकदम बिल्कुल हो रहा है। लोग अपने घर से पहले बिना खाए पिए आ करके पहले मतदान दे रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अच्छा लाइन में लग करके एकदम शांतिपूर्वक यहाँ से मतदान दे रहे हैं। क्या लोगों को मुद्दा, क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा विकास का मुद्दा है, बदलाव का मुद्दा है, देश बदल रहा है, यही मुद्दा है। तो हमारे साथ में और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। देख सकते हैं महिलाएं भी लंबी कतार में खड़ी है, अपना बारी का इंतजार कर रही है कि हम मेरा बारी आएगा तो हम मतदान करेंगे। तो क्या सोचकर इस बार महिलाएं क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं, आइए बात करते हैं। क्या सोचकर मतदान आप कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि गांव के महिलाएं हैं, बात मीडिया के सामने नहीं करना चाह रहे, लेकिन हमारे साथ में और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कब से आप कतारों में खड़ा है, क्या सोचकर आप बात कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं? हम भाई दे रहे हैं सरकार के, सवेरे से लाइन में लगे हुए हैं, देंगे वोट देंगे। हमारे साथ में और कुछ वोटर भी मौजूद हैं। इस बार जो है क्या मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव की और क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं? कब से आप जो है कतार में खड़ा है, अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं? अभी हम 2 घंटा से वोट के लिए इंतजार कर रहे हैं और मेरा सोच है कि हम अच्छा प्रतिनिधि को चुने। इस बार जो हमारे मैंने सरकार चल रही उसी मोदी सरकार को ही मैंने हम संबोधन करना चाहता हूँ। हमारे साथ में और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं। वोटरों में कितना उत्साह है, आप लोग बताइए कि इस बार जो है आप मतदान पहला बार कर रहे तो बात नहीं करना चाह रही, हालांकि महिलाएं हैं गांव की हैं जो बात नहीं करना चाहती। हमारे साथ में और कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए इस बार आप बताइए कि क्या सोचकर मतदान कर रहे हैं और कितना उत्साह देख रहे हैं? बहुत उत्साह है लोगों के ऊपर, सब अपने घरों से बिना खाए पिए लोगों निकल कर मतदान कर रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ लोगों के साथ ये त्योहार मनाया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव है जिसमें बहुत तरह के लोग आके अपने दूसरे जगह से दूर दूर से लोग आकर मतदान कर रहे हैं और शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। लोगों को एक त्योहार के तरह लोगों ने इस जगह को चुनकर अपने मतदान को सही मतदान कर रहे हैं। अब ये अपना मतदान है, ये मतदान अपना जिस कैंडिडेट को दो, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है, ये सबका अपना अपना अधिकार है। जो लोग मतदान कर रहे हैं वो अपना सोच समझ कर घर से ही आ गए हैं जो मतदान दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, हमें जो जानकारी मिली है कि ये अति नक्सल प्रभावित ये बूथ माना जाता था, पहले लोग जो है नक्सलियों को भय से लोग वोटर नहीं निकलते थे, इस बार अब कैसा महसूस आप लोग करते हैं? ये पहले लोगों को ये रहता था, डर रहता था नक्सलियों से, लोगों को पहले ही इत्तला कर दिया जाता था कि वोट बहिष्कार है, वोट नहीं मारना है, लेकिन अब बहुत जागरूक हो गए हैं लोग,
बहुत ऐसे मुद्दा इस गांव में आया कि वोट को बहुत हिसाब से लोग अब इस मतदान केंद्र में आकर लोगों को डर भय खत्म होकर फ्री माइंड से मतदान इस जगह पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भयमुक्त जो है मतदान होना शुरू हो गया है। लोग जो है से पहले नक्सलियों का डर से जो है सो मतदान नहीं करते थे, लोग पोस्टर चिपका देते थे कि मतदान नहीं, वोट नहीं करना है, जो वोट करेंगे उनकी हाथ काट दी जाएगी। लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं रहा, ये अति नक्सल प्रभावित जो है ये बूथ माना जाता था, लेकिन अब ऐसा माहौल नहीं है। सुरक्षा की भी बात की जाए तो पुख्ता इंतजाम की गई है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम की गई। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पुलिस तैनात है, किसी प्रकार से कोई चूक ना हो इसको लेकर जिला प्रशासन हो काफी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। क्या आप लोग के मुद्दा है, क्या सोच के लोग कर रहे हैं मतदान? अच्छा मुद्दा है यार, वोटर लिस्ट पहला बार देने जा रहे हैं कागज में, हम लोग को अच्छा लग रहा है बहुत। हमारे साथ में और कुछ मतदाता हैं, इनसे बात करते हैं, जो देख सकते हैं कि लोगों को उत्साह जो है लोगों को काफी है कि इस बार मतदान कर रहे हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, कितना उत्साह देखा जा रहा है लोकतंत्र में? अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या कहें, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे। आपकी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्या सोचकर इस बार वोट जो है आप लोग कर रहे हैं? अच्छा सोच के कर रहे हैं। क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या सोच है आपकी? सोच बहुत अच्छा है। तो ये कह रहे हैं कि सोच अच्छा है और अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ में और कुछ वोटर्स हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइए इस बार जो चुनाव जो कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं? शिक्षा हो, क्या चीज पर सोच विचार कर रहे हैं? शिक्षा होने के क्या मुद्दाएं रहेगी इस बार, क्या सोच है आप लोग का इस बार? सब कुछ अच्छा है, मना होना चाहिए, इसीलिए हम लोग वोट दे रहे हैं। तो और कुछ हमारे साथ में वोटर्स मौजूद हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं, क्या इस बार जो मुद्दा है किस तरह से रहेगा, क्या सोच के आप वोट कर रहे हैं? बहुत उत्साही से हम लोग इस चलते वोट डाल रहे हैं महापर्व में, वोटर लोग बहुत उत्साही होके दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप कितना देरी से लाइन में कतारों में आप खड़े हैं और क्या आपको लग रहा है? अभी तो ज्यादा देर नहीं हुआ है, वही आधा घंटा हुआ है। कितना क्या मुद्दा है आपको? अभी तो अभी बहुत भीड़ काफी नहीं है, अभी बहुत कम भाई भीड़ है, इससे ज्यादा सही से वोटर लोग उत्साह होकर दे रहे हैं, इससे ज्यादा भीड़ होगा। तो आप जो देख सकते हैं कि वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, लोग अपना बारी का इंतजार कर रहे हैं। और जो इस बार जो वोटर है, शिक्षा स्वास्थ्य लोग मुद्दाएं यही है, लोग इसको सोचकर वोट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत और आप देखते रहिए समाचार प्लस।